हेलो दोस्तों वेलकम टू कोड विद अनिल चैनल पिछले दो सेशन में हमने लिस्ट और टपल कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको लिस्ट और टपल समझ में आ गया होगा लिस्ट टपल सेट और ये सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं सो so, उसी सीरीज में आज हम सेट पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेट क्या होता है और कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में सो so, पाइथन में सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है सो so, ये इंडेक्स बेस्ड नहीं होते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं पहली चीज दूसरी ये यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन होता है तो इसके अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट या डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप एड नहीं कर सकते हैं ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा ये सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है सो so, सेट जो है वो म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है जैसे लिस्ट म्यूटेबल होता है वैसे सेट भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं सेट इट्स म्यूटेबल है बट इसके अंदर आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं जो म्यूटेबल हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा सो so, आप किसी भी सेट के अंदर लिस्ट सेट या डिक्शनरी ऐड नहीं कर सकते ठीक है आप सेट क्रिएट कैसे करते हैं सो so, सेट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको ब्रैकेट ही यूज करने हैं जैसे लिस्ट uh, के लिए हम स्क्वायर स्क्वाट यूज करते हैं और uh, टबल बनाने के लिए पेंथिल यूज करते हैं वैसे ही सेट बनाने के लिए कल ब्रैकेट यूज करते हैं तो अगर आपको कोई भी सेट क्रिएट करना हो तो आप अपने सेट का नाम लिखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है माई सेट इज इक्वल वन टू थ्री ठीक है तो कल ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देंगे तो ऑटोमेटिक ये ये क्या बनेगा ये सेट बनेगा सेट जैसे आप कोई भी कलेक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर आप हाइड्रोजेनियस और होमोजेनियस एलिमेंट्स रख सकते हैं तो इसे मिक्स टाइप के अगर डेटा को रखना हो तो आप ऐसे रख सकते हैं जैसे माई सेट इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख लिया और देखिए इसके अंदर टपल रखा है बट इसके अंदर लिस्ट नहीं रख सकते तो टपल हमारा इम्यूटेबल होता है तो टपल हम इसके अंदर रख सकते हैं एक पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए याद रखिएगा कि सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड ओके सो इंडेक्स इंडेक्स हैज नो मीनिंग कोई मतलब ही नहीं है का यहाँ पर सो वी कैन नॉट एक्सेस और चेंज एन एलिमेंट ऑफ सेट यूजिंग इंडेक्स और स्लाइसिंग सो आप ये काम नहीं कर सकते हैं सेट सपोर्ट इट तो चलिए इसको कोड के थ्रू भी देख लेते हैं तो so जैसे अगर आपको कोई सेट क्रिएट करना है तो सेट बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे माई सेट इज इक्वल और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वन कॉमा टू कामा थ्री वन कामा फोर ठीक है तो अगर आप इसको प्रिंट करके चेक कीजिए व्हाट द टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो ये आपको बता देगा कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसको रन करके चेक कर लीजिए तो ये बताएगा तो ये बता रहा है कि ये किस टाइप का है ये सेट टाइप का ऑब्जेक्ट है ओके इसी तरीके से मिक्स टाइप की वैल्यूज तो यहाँ पर एक, एक स्ट्रिंग रख लेते हैं लाइक like हेलो तो भी ये सेट बन रहा है क्या इसके अंदर किसी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं जैसे मान लीजिए वन टू थ्री ऐसा लिख दिया तो नहीं भाई ये अनहैशेबल है तो हैशेबल टाइप के ही ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो ये मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि जो टपल है वो हैशेबल ऑब्जेक्ट है सो हैशेबल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब आप सेट के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया ठीक है अब क्वेश्चन आता है कि एम सेट कैसे बनाएंगे ठीक है सो हाउ टू क्रिएट एम सेट तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एम set सेट बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे और वो ये है कि आप इस तरीके से यूज करके इसको एम टी सेट नहीं बना सकते हैं जैसे अभी तक एम टी लिस्ट और एम टी टपल बनाने के लिए सिर्फ ब्रैकेट यूज कर रहे थे तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं इसको नोट कर लीजिए ये डिक्शनरी बना देता है क्योंकि डिक्शनरी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं ब्रैकेट यूज करते हैं सो एम टी सेट बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है जो यूज कर सकते हैं देट इज कॉल्ड सेट आई होप में आ गया होगा

तो इसके अंदर देखेंगे कि 1, 2, 3, जो यहाँ पे मैंने दो बार ऐड किया है वन टू ये सिर्फ एक ही बार है ठीक है सो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं होते हैं, तो आप अगर इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे सेम ऑब्जेक्ट को तो ये इसकी परमिशन नहीं देता है तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स ओके अपडेट कैसे करेंगे अपडेट करने के लिए एड नाम का फंक्शन है जो आप यूज करेंगे या फिर अपडेट नाम का एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो अब ऐड और अपडेट कैसे यूज करते हैं सो एड से आप एट ए टाइम सिंगल एलिमेंट एड करेंगे और अपडेट से आप मल्टीपल एलिमेंट एड कर सकते हैं दिस इज सिमिलर टू लिस्ट जहां पे हमने लिस्ट में वैल्यूज को एड किया था ओके okay? और एक एक्सटेंड नाम का फंक्शन था जिसके थ्रू हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कर पाते थे, तो अगर आपने लिस्ट नहीं देखा है, तो अपडेट मेथड यूज होता है तो चलिए इसको यूज करके चेक कर लेते हैं तो जैसे यहां पर लिखा माई सेट माई सेट डॉट एड ठीक है टेन तो आप चेक करते हैं टेन ऐड हुआ या नहीं हुआ तो यस टेन ऐड हो गया अब इसके अंदर मैं अगर लिस्ट पास कर दू क्या ये ऐड होगा तो नहीं ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अनहैशेबल है लेकिन अगर यही टपल पास कर दे तो ऐड हो जाएगा क्योंकि टपल जो होता है वो क्या होता है हैशेबल होता है लेकिन ध्यान से देखिएगा ये टेन ट्वेल्व थर्टी फोर ये पूरा का पूरा एलिमेंट एक बार में ऐड हो जाएगा ये देखिए ठीक है तो अगर काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर तो काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव

तो अपडेट क्या करता है अपडेट इटरेबल टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है तो इटरेबल टाइप का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जैसे लिस्ट हो सकता है टपल हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है तो ये क्या करता है एक एक एलिमेंट उसमें से निकालता है और उसको सेट में ऐड करते जाता है तो पहले टेन फेच करेगा ऐड कर देगा फिर ट्वेंटी फेच करेगा फिर ऐड कर देगा फिर थर्टी फेच करेगा फिर उसको ऐड कर देगा ये कुछ ऐसा है देखिए टेन ट्वेंटी थर्टी ओके और ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग ऐड हो रहे हैं इसी तरीके से आप चाहे तो इसके अंदर टपल भी पास कर सकते हैं क्योंकि टपल भी आपका iterable ऑब्जेक्ट होता है फाइन समझ में आ गया ये मुझे उम्मीद है ये आपको आसान लग रहा होगा ये सारे मेथड्स बहुत इजी हैं इवन पाइथन बहुत इजी है मेरे हिसाब से तो पाइथन बहुत आसान है इसके बाद है कि अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए भी आप मेथड्स ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स uh, के बेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म मत कीजिएगा और न ही करने की कोशिश कीजिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ ये सपोर्ट नहीं करता है तो मैं है डिस्कार्ड और रिमूव ठीक है सो so, डिस्कार्ड और रिमूव क्या करता है देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग डिस्कार्ड एंड रिमूव फंक्शन वी कैन रिमूव अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ठीक है सो so, कैसे यूज करेंगे जैसे यहां पर ये यह सेट था आपका ओके अब इसके बाद मैंने कॉल किया माई सेट डॉट डिस्कार्ड अब किसी एक एलिमेंट को पास कर दी जैसे ये सिग्नेचर बता रहा है तो डिस्कार्ड में मैंने पास किया कि 30 को रिमूव कर दो भाई मुझे 30 नहीं चाहिए सो आफ्टर डिस्कार्ड तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं आफ्टर डिस्कार्ड ताकि ये समझ में आए कि ये डिस्कार्ड करने के बाद आप इसको प्रिंट कर रहे हैं ठीक है तो ये देखिए आफ्टर डिस्कार्ड थर्टी इज रिमूव्ड अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप पास करें जो इसके अंदर है ही नहीं जैसे थ्री हंड्रेड तो क्या ये डिस्कार्ड करेगा क्या प्रॉब्लम होती है कुछ नहीं नहीं है तो नहीं रिमूव कर रहा है ठीक है अब इसकी जगह रिमूव भी कॉल कर सकते हैं तो जैसे मैंने कहा रिमूव कर दो भाई इस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट थर्टी को रिमूव करो तो ये थर्टी को रिमूव कर देगा देखिए तो सवाल ये आता है कि फिर दो फंक्शन क्यों दिया हुआ है भाई आप डिस्कार्ड से भी वही काम कर सकते हैं और रिमूव से भी वही काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप रिमूव यूज कर रहे हैं और किसी एक एलिमेंट को यहाँ पे पास किया अगर वो एलिमेंट नहीं है तो ये आपको एरर रेस करता है और कहता है कि वो की अवेलेबल नहीं है ठीक है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत हैंडी हो जाता है अगर किसी एलिमेंट को आप पास कर रहे हैं वो नहीं है और तो कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट है या नहीं है तो एरर हैंडल करके आप उस चीज को बता सकते हैं द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल इन टू द सेट फाइन नेक्स्ट मेथड है पॉप एंड क्लियर पॉप क्या करता है पॉप किसी भी रैंडम वैल्यू को पिक कर लेगा और उसको रिमूव करता है और क्लियर आपके पूरे के पूरे सेट को क्लियर करेगा तो चलिए पॉप देख लेते हैं जैसे पॉप मेथड मैंने ऑलरेडी बता के रखा है लिस्ट में कि पॉप क्या करता है रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है ठीक है तो माय सेट डॉट पॉप मैंने कॉल किया और इसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को नहीं पास करेंगे आप जस्ट किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए तो मैं बता देता हूं यहाँ पर कुछ क्लिक करके कि पॉप्ड एलिमेंट कौन सा है अगर ये आपको पता करना हो तो पॉप्ड एलिमेंट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो एक्स में है और कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ वी कैन नॉट बिकॉज सेट अनऑर्डर्ड ओके सो आफ्टर पॉप्ड लेट्स प्रिंट द सेट वन मोर टाइम तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट पॉप हो रहा है सो पॉप्ड एलिमेंट वन है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो वहां पे वन ऐड किया था तो ये इसीलिए पहला ऐड हो रहा है तो एक काम करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं अनऑर्डर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो टेन ऐड किया ट्वेंटी ऐड किया थर्टी फोर्टी फिफ्टी ठीक है अब इसके बाद क्या करते हैं इसको प्रिंट करके चेक करते हैं तो देखते हैं क्या इसी ऑर्डर में ये ऐड हो रहा है तो यहाँ देखिए ये ऑर्डर तो नहीं ऐड हो रहा है अनऑर्डर्ड है तो यूनिक कलेक्शन है ये सारी चीज़ें देख लिया हमने और किस एलिमेंट को ये फेच कर रहा है फोर्टी को ठीक है फोर्टी जो है वो पहला एलिमेंट हो जा रहा है तो इसलिए पहले एलिमेंट को तो जिस एलिमेंट को ये फर्स्ट पोजिशन पर रखता है पॉप एलिमेंट उसको रिमूव कर देता है सिंपल ओके सो दीज आर ओकेशन है जो आप सेट पे अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है सेट समझ में आ गया होगा सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और कुछ ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे सेट के और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं वो डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया अगर आपको फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कुछ और मेथड्स हैं जो कॉमन हुआ है जैसे ऑल एनी एल मैक्स मिन ओके तो मुझे नहीं लगता कि इन मेथड्स को फिर से बताने की जरूरत है कि ऑल कैसे काम करता है एनी कैसे काम करता है len, Max, min sum सम अगर आपने इन मेथड्स uh, को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए ये सारे मेथड्स मैंने बहुत डिटेल में बताए ठीक है सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सेट समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय बाय